हेलो गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ हेज न्यूज में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया और बीजेपी के साथ हुए संध्या। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। मध्य प्रदेश के सांसद सिंधिया, एक्चुअली वे कांग्रेस में होना चाहिए था उनको, पर अभी वो आ चुके हैं बीजेपी सरकार में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीजेपी सरकार पीएम मोदी जी काफी ज्यादा अलग अलग चीजें कर रहे हैं और उसी के साथ साथ संज्ञा को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया है। और अभी ये साथ लेने का एक बहुत ही बड़ा मामला ये है कि इनके पीछे किसी औरत का हाथ है, किसी महिला का हाथ है। और वो जो महिला है वो राजघराने से आती हैं, और जो राजघराने से ये महिला आती हैं, इनके साथ बीजेपी पीएम मोदी जी की काफी जान पहचान है और वो बीजेपी के साथ काफी अच्छी उठती बैठती हैं। और उस दौरान ही ये जो संज्ञा हैं ये उन्हीं के उसी महिला के ससुराल से आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस महिला का नाम क्या है। और उस महिला का नाम है शुभांगिनी और 75 ईयर की हो चुकी हैं। और उसी के साथ साथ अभी उन्होंने यहाँ पर ऐसा तत्का अभी पलटा है कि जहाँ पर कांग्रेस सरकार ने काफी ज्यादा हाथ जोड़ लिए हैं। बोलते हैं कि जो राजनीति है वो काफी अच्छे से खेली जाती है, ये एक गेम की तरह है। तो जो राजनीति करते हैं वो हमेशा ही गेम खेलते रहते हैं। आई होप गाइज आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ मैं रहती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।